ओए हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में बात करें फ्री फायर मैक्स गिव बैक 50x डायमंड्स मोर स्पेंड मोर विन। तो फिलहाल यहां पर देख सकते हो आपको 50 गुना डायमंड किस तरह मिलने वाले हैं, वही आज की वीडियो में बात करेंगे। एक चीज नोटिस की गई इसके रहने वाले ने, इस दिवाली डायमंड ही डायमंड डायमंड कर दिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि फ्री में डायमंड बांट रहे हर जगह पर, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये इनकी मार्केटिंग करने का तरीका है। बट अब फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर, फिर भी आपको ये 50x डायमंड किस तरह मिलने वाले हैं। देखो यारो, इसका एक टाइमर देखो, ये टाइमर खत्म होने से पहले यहाँ पर एक जरूरी बात सुन लो कि इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट सिर्फ वही बंदे कर सकते हैं जिन्होंने 12 से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर 100 डायमंड कहीं ना कहीं किसी न किसी इवेंट के अंदर लगाए हैं। यहाँ पर जो बंदे ने यहाँ पर एक भी डायमंड नहीं लगाया इन दिनों के अंदर, तो उनको कुछ नहीं बेनिफिट होने वाला, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। तो जिन्होंने 18 तारीख से पहले पहले यहाँ पर 100 डायमंड लगाए हैं इन दिनों में, यहाँ पर इसी मतलब 12 से 18 के अंदर अंदर जिन्होंने 100 डायमंड लगाए हैं, सिर्फ ये इवेंट उनके लिए रहने वाला है। एक और जरूरी बात, सही बताऊँ मैंने भी एक भी डायमंड नहीं लगाया, लेकिन बट फिर भी अगर हम बात करें, अगर आपने मान लो डायमंड लगा दिए 100 डायमंड, अभी आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है वो जानते हैं। तो गाइस वो जानने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपल बातों पर ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन मार्क पर बातें यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर रूल बताए, इन्होंने यहाँ पर 7 रूल लिख रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, स्टैंड अ चांस टू विन 50x डायमंड बैक दिस दिवाली, इस दिवाली पर आप 50 गुना डायमंड जीत सकते हो, ये बता रखा है। इन्होंने बताया कि आपको 100 से ऊपर बस डायमंड इस दिनों के अंदर अंदर खर्चने, और यहाँ पर देख सकते हो 18 तारीख और 12 तारीख के बीच में यहाँ पर आपको खर्चने थे, आपने 100 डायमंड खर्च लिए, ठीक है, अपने किसी भी फेवरेट इवेंट के अंदर। उनके बाद इन्होंने पूछा है कि ड्यूरिंग द क्विज वॉच योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर स्ट्रीम, आपको किसी अपने फेवरेट स्ट्रीम देखनी है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने। इफ़ यू आंसर द क्वेश्चन, अगर आप करेक्ट आंसर देते हो जैसे कि उन्होंने बता रखा है करेक्टली, तो यू स्टैंड चांस विन 50x डायमंड हैव, यहाँ पर देख सकते हो ड्यूरिंग कह सकते हैं क्वालिफिकेशन पीरियड, मतलब आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और गाइस इसी तरह इन्होंने बता रखा है कि देर विल बी 5 विनर पर क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन पर 5 विनर चुने जाएंगे और यहाँ पर लगभग 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 10 क्वेश्चन पर सिर्फ 50 बंदे। और इन्होंने बताया है कि इफ़ यू आर अ विनर, अगर आप विनर बन जाते हो यहाँ पर देख सकते हैं 1 ऑफ द क्वेश्चन, तो डायमंड विल बी स्पेंड ऑन यूर अकाउंट डायरेक्टली, यहाँ पर सीधा डायरेक्टली स्ट्रीम के ख़त्म होने के 1 घंटे के बाद आपके मेल बॉक्स के अंदर जहाँ पर आपके डायमंड क्रेडिट हो जाएंगे, जैसे कि इन्होंने बता दिया है। और गाइस यहाँ पर इन्होंने ये सब बता रखा है, यू कैन ओनली विन वंस पर गिववे, तो सिर्फ आप एक ही बार जीत सकते हो इस गिववे को, तो गिववे। सो गाइस अगर आपने इन दिनों के अंदर 100 से ऊपर डायमंड लगाए हैं, और अगर आप इधर जो भी स्ट्रीम चलने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्लिक कर स्ट्रीम चलने वाला है, क्वेश्चन के आंसर देने, अगर आप क्वेश्चन के आंसर दे दोगे तो यहाँ पर अगर आपने जो भी डायमंड लगाए होंगे इन दिनों के अंदर आपको उसके 50 गुना वापस मिल जाएंगे, बट सारे बंदों को नहीं। फ्री फायर के कितनी सारी करोड़ों ऑडियंस है, जितनी भी है ए से लेकर जेड तक ऑडियंस, उनमें से सिर्फ 50 बंदों को, मतलब कह सकते हैं इतनी सारी ऑडियंस में से सिर्फ इतने बंदों को मिलने वाले हैं, ठीक है, तो इस तरह रहने वाला है। तो ये भी अभी ज़्यादा है, मतलब इससे भी कम इतने बंदों को मिलने वाला, इतनी सारी ऑडियंस में से, मतलब सिर्फ 50 बंदों को, तो सिंपल यही रहने वाला, स्ट्रीम वगैरह देखकर आप डायमंड ले पाओगे, तो स्ट्रीम स्टार्ट होने वाली ये सब बता रखा है। तो बस यही थे रूल, और ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, तो आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप लकी हो, आपके क्वेश्चन सही जाएंगे, आपको विनिंग मिल जाएगी, बस इतना ही। और आंसर वगैरह आपको जब स्ट्रीम चलेगी तो कमेंट में मिल जाएंगे, बहुत सारे बंदे आंसर देने वाले, जो सबसे पहले देगा वो सिलेक्टेड हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।